नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ जो कि सीधा कन्नौज से आ रही है। कन्नौज से बड़ी खबर, जहां डीएम ने किया अस्पताल का दौरा, डेंगू की तैयारियों का किया औचक निरीक्षण। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जिला अस्पताल के डेंगू वार्ड का लिया जायजा, साफ सफाई ही डेंगू में कारगर साबित, ये डीएम ने कहा। लोगों से की मच्छरदानी उपयोग करने की अपील। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के साथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि औचक निरीक्षण किया गया और औचक निरीक्षण करने के साथ ही डेंगू से किस तरह से बचा जाए, ये भी यहां पर डीएम के द्वारा कहा गया। डीएम ने कहा कि मच्छरदानी का जितना हो सकता है उतना मच्छरदानी का उपयोग करें, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अपने आसपास जितना हो सकता है उतना आप साफ सफाई रखें। साफ सफाई बेहद जरूरी है इस वक्त। तो एक और बड़ी खबर आ रही है कन्नौज से इस वक्त की। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि दो पक्षों में मारपीट हुई, फायरिंग हुई। मारपीट का वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। खेत में कब्जे को लेकर हुआ था विवाद, मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। तिरवा कॉलोनी क्षेत्र के बनपुर का मामला है ये। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी अहम खबर, तो मारपीट का वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। खेत में कब्जे को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर मारपीट का वीडियो है ये। गोलियां भी यहां पर चली, मारपीट भी हुई। दो पक्षों के बीच ये विवाद काफी देर तक इसी तरह से चलता रहा। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दो पक्षों के बीच ये फायरिंग हुई, इसका वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीरों के साथ हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो दो पक्षों में फायरिंग हुई, बड़ी खबर मारपीट का वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल। किन्नौर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि दो पक्षों में झड़प हुई, मारपीट का वीडियो वायरल। मामूली से विवाद को लेकर यह पूरी मारपीट हुई। पीड़ित ने न्याय की लगाई है गुहार। सौरख थाना क्षेत्र के यहां पर सगरावा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, यह पूरा वीडियो बताया जा रहा है। तो सकरावा का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। बड़ी खबर सौरख थाना क्षेत्र का पूरा मामला इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से। दो पक्षों के बीच यहां भी मारपीट हो गई है। देखिए ये वीडियो है जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। यहां पर भी दो पक्षों के बीच में ये मारपीट हुई है। वीडियो काफी ज्यादा यहां पर दो पक्षों के बीच की लड़ाई का वायरल हो रहा है। बड़ी खबर दो पक्षों के बीच ये झड़प हुई कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीरों के साथ टीवी स्क्रीन पर। तो रायबरेली के फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि आयोजन हुआ, समारोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। समारोह की शुरुआत सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन से की गई। मुख्य अतिथि के तौर पर नवनीत कुमार, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्र प्रेम, त्याग और संघर्ष को देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत उन्होंने बताया, और साथ ही कहा कि वो आदर्श है हमारे। युवाओं से उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की अपील की। समारोह में विधायक अशोक कोरी, पूर्व विधायक रामलाल के साथ कई और लोग भी मौजूद रहे।
तो फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में ये पूरा कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी गणमान्य लोगों ने शिरकत की। विधायक कपूर विधायक ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए अब आपको सीधे चंदौली लिए चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की और साथ ही साथ यहां पर उन्होंने लोकार्पण भी किया। आइए देखते हैं। कभी देखा नहीं कि सबको तो कुछ मिला, अगर आपने दिया तो जो 5 साल में नहीं दिया वो 25 साल में भी जनपद को नहीं मिला। इस जनपद में बहुत ही राजनीति को हमने देखा है कि पुल के लिए लोग राजनीति करते थे। जब आपकी सरकार बनी, आपके नेतृत्व में सरकार बनी, इस जनपद में लगभग कोई भी ऐसा ब्रिज नहीं होगा, जो कोई भी ऐसा क्रॉसिंग नहीं होगा जिस पर ब्रिज नहीं बन गया होगा। और भी ऐसी ऐसी योजनाएं, मेडिकल कॉलेज आपने सबसे पहले चंदौली में दिया, ये हम लोगों का सौभाग्य है, सैयद राजा को दिया, ये हम लोगों का सौभाग्य और भी बहुत है। आपने इतने विकास कार्य किसानों के लिए किया है, हमारे नारायणपुर लिफ्ट कैनाल जो 40 साल पहले बनी थी, 40 साल पहले उसको भाजपा सरकार ने, हमारी सरकार ने बनाया था, और अब जाकर के उस सड़क उसको मरम्मत कर आपने जो काम पैसा दिया है 65 करोड़ की लागत से, वो हमारा नारायणपुर लिफ्ट कैनाल बन रहा है। किसानों के लिए आपने इतनी बड़ी योजनाएं इस जनपद में दिया है, चाहे धान खरीद की बात हो, चाहे गेहूं खरीद की बात हो, आपके आशीर्वाद से इस जनपद में रिकॉर्ड खरीदारी हो रही है। आपके आशीर्वाद से बस एक चीज निवेदन करना चाहूंगा महाराज जी, हमारा जो सकलिया तहसील है लगभग 165 राजस्व गांव उसमें आते हैं, और भी तहसीलों में 60-65 राजस्व गांव आते हैं। अगर धानापुर को एक अलग तहसील घोषित कर दिया जाएगा तो हमारे इस जनपद का विकास होगा, क्योंकि आपने जितना आशीर्वाद इस जनपद को दिया है, हम समझते हैं कि बनारस के बाद पूर्वांचल में सबसे ज्यादा अगर विकास की गति कहीं दिखाई दी है तो आपने चंदौली में दिखाई दिया। भाई आपका हम लोगों का सौभाग्य है कि बाबा किनाराम स्थल पे आप लोगों को आपने 25 करोड़ रुपए की लागत से वहां के सुंदरीकरण का काम, बाबा किनाराम जो हम लोगों के इस चंदौली रेंज पे पूर्वांचल के लिए पूजनीय, उनके उनके नाम पे आपने बाबा किनाराम मेडिकल कॉलेज दिया, वो हम लोगों के लिए चंदौली के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली का विषय। आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ महाराज जी, आपने जितना दिया है आपका आशीर्वाद बना रहे, यही हमारे चंदौली के लिए बहुत है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत माता की। मैं स्वागत करते हुए सबको प्रणाम करता हूं, और इतना नहीं, आज हम
है, बहुत प्रसन्नता है, लेकिन साथ में एक मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि चकिया विधानसभा वनवासी क्षेत्र में 40% वनवासी क्षेत्र है, उसमें नौगढ़ ऐसा स्थान है, एक तहसील, एक ब्लॉक की एक तहसील बनी है, जो कि एकदम धान की रोपाई नहीं है, पूरा सूखाग्रस्त है। और चकिया विधानसभा में चंद्रप्रभा नदी पर एक बांध बना हुआ है जो 70 साल से है, वह जीर्णोशीर्ण स्थिति में है, उसमें रिसाव हो गए हैं, उसमें बड़े बहुत भारी होर हो गया है, आपकी कृपा हो जाएगी तो वह बांध सुंदर हो जाएगा, नहीं तो आने वाले दिनों में जब पानी भरेगा वो तो बड़ी दुर्घटना होगी, तो उसमें जन धन की बहुत बड़ी हानि हो सकती है। चकिया नगर में, चकिया तहसील में, चकिया विधानसभा में एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय सन 1970 से रन कर रहा है, वहाँ पर विज्ञान वर्ग की शिक्षाएं नहीं हो रही है और विधि विभाग की नहीं है, कॉमर्स विभाग की नहीं है, बीएड विभाग की नहीं है। आपसे मेरा प्रार्थना है कि वनवासियों के बीच में आप चकिया को विज्ञान वर्ग की मान्यता देंगे, विधि विभाग की मान्यता देंगे, कॉमर्स की मान्यता देंगे, तो वहाँ के वनवासी जो आने वाली पीढ़ी है पढ़कर अपने को धन्य हो जाएगी, आगे जाकर देश में, राष्ट्र में रोशन करी, राष्ट्र को परम औला के शिखर पर ले जाने के लिए आपका बार बार स्वागत करेगी। साथ ही साथ चकिया की सड़कें बहुत खराब हो चुकी हैं, आपसे प्रार्थना है कि चकिया की धरती को भी ध्यान देते हुए हम सभी को आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको आपका स्वागत करते हुए मैं ही अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की। धन्यवाद महोदय। अब मैं विनम्र आग्रह करती हूँ डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे माननीय मंत्री जी भारी उद्योग भारत सरकार माननीय सांसद चंदौली से कि वे यहाँ पर आकर सभा को संबोधित करें। माननीय रमेश जी ने, माननीय सुशील जी ने,
और माननीय कैलाश खरवार जी ने, माननीय राज्य मंत्री हमारे ब्रजेश जी ने इन सब के विषयों पर बल देते हुए, उनका समर्थन करते हुए आज एक विशेष, मैं भी एक बार आपको कष्ट दूंगा कि संभवतया मेरी जानकारी में भी चंदौली में एक साथ आज 24 कार्य शिलान्यास हो रहे हैं 874 करोड़ 53 लाख के, और 33 कार्य शिला लोकार्पित हो रहे हैं 99 करोड़ के, कुल 963 करोड़ 52 लाख की परियोजनाएं इस चंदौली के इतिहास में पहली बार मेडिकल कार्य, अन्य विषय सब इनकी सरकार की स्वीकृतियां, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद की केंद्र सरकार की स्वीकृतियां इसके अलावा है। इस नाते एक बार पुनः आप सब खड़े होकर के पुनः कर्तव्य ध्वनि से महाराज जी का अभिनंदन करें, महाराज जी को स्वागत करें। उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए मंचस्थ हमारे बीच में माननीय विधायक श्री रमेश जी, श्री सुशील जी, श्री कैलाश खरवार जी, हमारे प्रिय छोटे भाई माननीय राज्य मंत्री लोक निर्माण देवबंद के लोकप्रिय विधायक माननीय ब्रजेश जी, माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमती दासना सिंह जी, हमारे जिले की प्रभारी श्रीमती मीना चौबे जी और जिले के यशस्वी लोकप्रिय जिलाध्यक्ष मनु सिंह जी, मंचस्थ सभी आदरणीय पूर्व जिलाध्यक्षगण, सभी महामंत्री सहित अन्य यहाँ पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित, यहाँ जिलाधिकारी सहित सभी प्रशासन के सम्मानित अधिकारीगण, बाएं तरफ जो हमारा दूसरा मंच है उस पर सभी पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, माननीय ब्लॉक प्रमुख, माननीय जिला पंचायत सदस्य, जिले के अन्य पदाधिकारी, अन्य वरिष्ठ नेतागण और अन्य यहाँ सभा में उपस्थित हमारी मातृशक्ति मीडिया के साथियों और समाज के सभी वर्गों को चंदौली से दूर दूर से पधारे, जितने यहाँ पंडाल में है महाराज जी, उतने पंडाल के बाहर आपका अभिनंदन कर रहे हैं, माइक लगी हुई है, सब आपका आशीर्वाद सुनेंगे। मैं आप सबके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए आज के मौके पर बहुत संक्षेप में आज मैं स्वागत स्नात नहीं कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में लंबे अरसे बाद जो परंपरा इस प्रदेश के अंदर कभी पंडित गोविंद वल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, चौधरी चरण सिंह, बहुगुणा जी, नारायण दत्त तिवारी, कल्याण सिंह जी, राजनाथ जी और इसी धरती के लाल राजनाथ सिंह जी और राम प्रकाश गुप्त जी ने जो शानदार परंपराएं बनाई थी, उन परंपराओं को आगे बढ़ा के जो जो कदम महाराज जी उठा रहे आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश उनका अनुसरण कर रहा है। मैं सब विषयों की बात नहीं करूंगा क्योंकि महाराज जी का आशीर्वाद हम सबको देर तक हम सबकी आकांक्षा है, लेकिन हाल की बात एक बताऊं, बेंगलोर के अंदर इनक्रोचमेंट के चलते भारत का सबसे विकसित शहर, आधुनिक शहर अति वर्षा से वाटर लॉगिंग हो गई, तो वहां का मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई कहते हैं कि मैं योगी आदित्यनाथ की तरह बुलडोजर चला के अवैध इनक्रोचमेंट को हटाऊंगा। महाराज जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना दी, महाराज जी की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना का परिणाम हुआ कि भारत सरकार के बजट में पूरे देश के लिए माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में निर्मला सीतारमण जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पूरे देश के लिए लागू किया, उत्तर प्रदेश की नीतियों का कमाल है। ऐसे अनेक पहले उत्तर प्रदेश के
नीतियों का अनुसरण आज अन्य राज्य कर रहे हैं। कभी आपसे किसी गोष्ठी में चर्चा होगी तो मैं ऐसे 15-20 उदाहरण रखूंगा जो महाराज जी उनकी टीम उनके द्वारा जो मार्गदर्शन उनके द्वारा जो कुशल प्रशासन आज कानून व्यवस्था और कानून व्यवस्था में आज पूरे देश का मॉडल स्टेट हो गया उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई। हर राज्य कानून व्यवस्था के सवाल पर अपराधियों के खिलाफ अंकुश के सवाल पर उनको अपना मॉडल स्टेट के रूप में लेता है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं अपने संसदीय क्षेत्र में परम श्रद्धा के साथ स्वागत करता हूं और आज आपके लोकार्पण इन परियोजनाओं और अभी आपने जिस तरह से बच्चों को आपने उन्हें अन्नप्राशन बहुत भराई आपकी प्रेरणा से जो प्रदर्शनी तमाम जो विकास कार्यों के निरंतर आप बल दे रहे हैं जिससे इस चंदौली सहित पूरा प्रदेश आपके मार्गदर्शन में लाभान्वित हो रहा है। महाराज जी मैं आपका अभी हाल में क्योंकि देश का भारी उद्योग मंत्री हूं इस बात के लिए अभिनंदन करना चाहूंगा और खास करके मैं तो आज रेखांकित कर दे रहा हूं और मीडिया और महाराज जी और हमारे देश का नेतृत्व महाराज जी हमारे देश के वरिष्ठ नेता हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। मैं जो अनुभव करता हूं प्रदेश से बाहर देश में मैं एक शब्द रेखांकित कर रहा हूं ये देश के विकसित राज्य दक्षिण के राज्य महाराष्ट्र और देश के अन्य विकसित राज्य तमिलनाडु आदि आदि आंध्र वगैरह तेलंगाना कर्नाटक आदि आदि जिनकी इंडस्ट्री पॉलिसी है औद्योगिक नीति उसे दो कदम बढ़ के इंडस्ट्री लगाने वालों को 30% कैपिटल सब्सिडी उत्तर प्रदेश देगा। आज पूरा देश का उद्योग जगत आपका अभिनंदन कर रहा है और मैं इसलिए रेखांकित कर रहा हूं कि आपका जिस तरह इन्वेस्टर समिट की 2 सक्सेस 3 सक्सेस हुई अभी फिर आप करने वाले हैं। भारी उद्योग मंत्री भारत सरकार के रूप में मैं अनुभव कर रहा हूं कि आपका कार्यकाल भिन्न भिन्न विशेषताओं के लिए 17 से 22 जाना गया और 22 से 27 उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की झड़ी लगाएगा रोजगार की झड़ी लगाएगा और 1 ट्रिलियन डॉलर की आपकी इकोनॉमी उत्तर प्रदेश के बनाने के सपने को मोदी जी के 5 ट्रिलियन डॉलर के सपने में जोड़ के साकार करेगा। यह आपका कार्यकाल निश्चित तौर से भारत इसको इस रूप में ग्रहण करेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आपका स्वागत करते हुए मैं आज इस अवसर पर मैं आपका विशेष अभिवादन करूंगा जो हमारे माननीय विधायक ने विभिन्न जनता की कठिनाइयों को रखा है हम सब साथ बैठ के चिंतन मनन करते हैं उस पर आपकी कृपा रहे। कुछ चीजों पर आपकी भविष्य में आशीर्वाद कृपा की मैं और अपेक्षा चाहूंगा जैसे यहाँ पर 97 में जिला बना जिला बनाने वाले जिला बना गए कुछ लोगों का निजी लाभ कर गए बाद में उसको फॉलो अप करने वाले भी निजी लाभ कर गए लेकिन जिला का रूप जब आप सरकार में आए तो मुख्यालय के पैसे जारी किए और आपके चलते पैसे जारी करने के बाद सारे काम होते जा रहे हैं। अभी उस क्रम में विकास भवन आपके निर्देश में एकदम स्वीकृति के अंतिम चरण में उच्च न्यायालय का निर्माण प्रारंभ होने के चरण में और आपके द्वारा सर्किट हाउस ऐसे तमाम जो जिले को उभारने वाले जो विकास परक विषय है उस पर भविष्य में आपकी कृपा दृष्टि मिले हम सब व्यक्तिगत आग्रह रखते रहते हैं। आपके ध्यान में है आप स्वयं सबको मार्गदर्शन दिए हुए हैं लेकिन सार्वजनिक रूप से जनता को आपका और आशीर्वाद मिले इस अभिप्राय से इसको याद दिला रहा हूं। एक बात इस चंदौली को शायद चूंकि किसी प्रधान जो उत्तर प्रदेश के देश के 7-8 जिले हैं उसमें शाहजहांपुर लखीमपुर खीरी ऐसे जो श्रेणी के जिले हैं उस श्रेणी का हमारा चंदौली कृषि उत्पादक क्षेत्र है। आपने इसी स्थान पर 17 में जब आपके साथ प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैंने प्रार्थना की थी आपने तमाम 400 करोड़ का उस दिन भी यहाँ स्वीकृति दिया 300 करोड़ का शिलान्यास किया था और आज पुनः इस मैदान पर आप पधारे हैं। तो आप चंदौली से देख रहे थे जहां पर कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही नमस्कार।